उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार गिरने के साथ ही अखिलेश का गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को पूरा करने का ड्रीम भी अधूरा रह गया। लेकिन अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके सपने को साकार करने के लिए अधिकारियों को रडार पर लेना शुरू कर दिया है। फुल एक्शन में काम करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार सुबह ही अपने दलबल के साथ गोमती किनारे पहुंचे और अफसरों से रिवर फ्रंट परियोजना की पूरी डिटेल मांगी। उन्होंने अफसरों से कहा कि वो प्रोजेक्ट के एक एक पैसे का पूरा हिसाब दें। योगी ने अफसरों के साथ करीब 40 मिनट तक बैठक की। अफसरों के जवाब से मुख्यमंत्री संतुष्ट नहीं दिखे और उन्होंने गंदगी के लिए अफसरों को जमकर लताड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के बजट पर सवाल उठाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से नए सिरे से बजट का असेसमेंट तैयार करने को कहा है। गोमती नदी में एक भी नाला ना गिरे, इसके लिए अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि गोमती रिवर फ्रंट परियोजना का लोकार्पण 16 नवंबर 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था। परियोजना अभी भी अधूरी है। अखिलेश ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए करीब 1500 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट बनाया था। अब तक इस पर करीब 900 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। तो सीएम योगी ने घूम घूम कर परियोजना का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने अखिलेश यादव के बजट पर सवाल तो उठा दिया, लेकिन अब देखना होगा कि गोमती रिवर फ्रंट का काम कितनी जल्दी और कितने बजट में पूरा होता है। देखते रहिए डीबी लाइव।